अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज हम विज़िट करने जा रहे हैं बहुत ही एक हिडन फूड पॉइंट है, बहुत ही कम लोगों को पता होगा। हम लोग इस वक्त हैं पहाड़ी ग्राउंड वाले एरिया में, तो इसके एग्जैक्ट लोकेशन आपको जाकर बताऊंगा, शिमला के नाम से। तो कोशिश करेंगे इनके किचन की भी वीडियो आपको दिखाएं, क्योंकि इनका बहुत ही हाइजीनिक सिस्टम होता है। तो आई लव टू शेयर दिस टाइप ऑफ फूड पॉइंट्स के जो अच्छे हों और मतलब उनका टेस्ट भी अच्छा हो। हम पहुँच गए एक मिनट सर, जो मैं दसना था इनका डाइनिंग एरिया भी है जो कि नीचे जाके है। तो माशाल्लाह कोई भी नहीं का, लेकिन इट्स एन ऑसम प्लेस। ये है जी इनकी डाइनिंग। नीचे दो तीन मंथ पहले स्टार्ट किया है, थोड़ा सा साके भी आपको बता देते हैं। ये बड़ा ही शांत है माहौल, लेकिन अगर इधर चार बंदे आ जाएं तो मुझे पूरा यकीन है कि इधर इंतहाई अच्छे वाला शोर होने वाला है। तो लेकिन मतलब कह लें कि स्टार्टिंग में ही एक अच्छा उन्होंने दिया है, ये मतलब कहते हैं फर्स्ट इमेज जो है वो इंतहाई इम्प्रेसिव है। अच्छा, बेसिकली ये ना एक बेकरी, पहले बेकरी थी, ऊपर मैंने आपको बता दिया कि बेकरी है, लेकिन रिसेंटली कोई दो तीन मंथ पहले उन्होंने ये रेस्टोरेंट वाली सर्विस जो है वो देनी शुरू किया, मतलब डाइनिंग शुरू किया है। पिज़्ज़ा, सैंडविच और आई थिंक ये सारी आइटम्स अवेलेबल हैं। लेकिन मुझे मैं रिकमेंडेशन पे इधर आया हूँ, पहले बताता हूँ कि साकिब ने भी बोला इनका पिज़्ज़ा बहुत ही लेवल का होता है। तो है भी ये कौन सी लोकेशन है, ज़रा एग्जैक्ट लोकेशन बताना। एग्जैक्ट लोकेशन ये है कि बटाला कॉलोनी हमीद पैलेस के बिल्कुल साथ शिमला बेकरी जी। तो अभी ऑर्डर किया हमने डील वन में, मतलब इनका शिमला स्पेशल के नाम से पिज़्ज़ा जी, और उसमें 1.5 लीटर ड्रिंक जो है वो ड्रिंक है। और मेरे ख्याल से 1.5 लीटर ड्रिंक और लार्ज पिज़्ज़ा 1000 में अभी मेरे ख्याल में ना फैसला बंद नहीं, बहुत कम लोग दे रहे हैं। जो रेयरली जो है चांसेस वो ये है कि 1200 से अबव शुरू होती है ये मामला। क्वालिटी के मेयार से आप कंपेटिटिव मतलब बहुत कम मिलेंगे आपको लोग। बाकी जब अली खाएंगे और खा के आपको रिव्यू करेंगे, देन आप जो है वो डिसाइड, हम आपको बताएंगे कि ये कैसा एक्सपीरियंस रहा यहाँ का। अली से पहले जो है मैं यहाँ का इनका पिज़्ज़ा शिमला स्पेशल उसको एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, और ये मेरी ही रिकमेंडेशन पे आए, क्योंकि मैंने इनको बताया था कि ये काफ़ी अच्छा जो है मेरा एक्सपीरियंस रहा है, और क्यों ना हम उसको जो है अपने व्लॉग्स में कवर करें, ताकि हम लोगों को और भी अच्छी अच्छी प्लेसेस जो है वो अपने वीडियोस के थ्रू बता सकें। थैंक यू। ये आ गया जी पिज़्ज़ा, अभी अभी डिलीवर हुआ है, देखने में बहुत ज़्यादा लजीज लग रहा है, देखने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार लग रहा है, क्योंकि हमें अच्छे वाली भूख भी लगी हुई है। अभी आपको मज़ीद क्लोज देता हूँ कि क्या सीन है इधर, हैवी लग रहा है। क्यों भाई? चलो चलें आप ट्राई करें ना, फिर आप दोबारा से बताएं यह चीज़। पहुंच चुके हैं, ट्राई करते हैं। मजा आया कि नहीं? मैं कहता हूँ दुआएं देंगे भाई को, इधर देख पाए और खाएं इसको, बहुत ही लेवल की चीज है। और ये तरीफ नहीं है, दिल से निकल रही है, पेड प्रमोशन भी नहीं है उनको, ये भी बता दें। ये मतलब दिल से निकल रही है बातें कि मतलब कमाल है क्वालिटी हर चीज़। प्राइसिंग के लिहाज से भी, प्राइसिंग तो फिर मतलब इनकी है ही ना कमाल। तो एक दफ़ा ट्राई करें, वीडियो देख के भी और खा के भी। अब मैं बताता हूँ आपको कि मैंने इतनी तारीफ़ क्यों की है। ये ऊपर जो सॉस है इसका अलग से मतलब एक लेवल का टेस्ट है, चीज़ और ये ऑलिव्स का मतलब एक एक कॉम्बिनेशन बना के बंदा जब खाता है ना, एक बहुत ही यूनिक टेस्ट। लेकिन कहने का पिज़्ज़ा जैसे बोलते हैं ना कि वो चीज़ है, गेड़ा नहीं है, मतलब आपको 1000 में कूगा नहीं कराते, सही चीज़ देते हैं। और मेरे ख्याल से जब तक ये नए हैं तो देते रहेंगे, क्वालिटी इंशाल्लाह देते रहेंगे, पूरी उम्मीद है मुझे। तो बाकी
आपको बाय जरा जाके इनका सीन दिखाते हैं क्या चल रहा है। अभी साथ में ये स्प्राइट और ऊपर से दिसंबर की सर्दी और हमारे साथ फिर राणा साहब, मतलब हीट डबल ट्रिपल बटी नहीं आ रही क्या बटी बटी नहीं आ रही चल रहा खा भी ला नखरे करी जाना जी। अब हम जा रहे हैं घर और बारिश की वजह से हमारी बाइक जो है वो कम्प्लीटली भीग चुकी है। बारिश का 26 दिसंबर तो दसा होना, हाँ बर्फबारी का भी दस बारह दिसंबर। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर कोई इसके रिलेटेड क्यूरी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर आपके नज़दीक कोई ऐसा फूड पॉइंट है जो कि रीज़नेबल प्राइस में एक इंतहाई क्वालिटी फ़ूड दे रहे हैं, आपको लगता है कि उसे डिस्कवर करना चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में उसका भी मुझे ज़रूर बताएं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें।